दुनियादारों में और संतों में वैर विरोध रहता ही रहता है, लेकिन सब कुछ झेलते हुए और गुरु महाराज ने अपने गुरु का चिन्ह तैयार किया था। और जब तैयार हो गया तो बोले कि जिंदा देवता बांट रहे हैं, ले लो, जीते जाते देवता से ले लो, अभी जब तक मैं हूँ तब तक तुम ले लो, मंदिर के देवता तुमको दे रहे हैं और मैं नहीं रहूँगा तो तुमको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आप ये समझो, उन्होंने तो चिन्ह तैयार किया, लेकिन जो गुरु महाराज के इतने शिष्य होते हुए भी और गुरु महाराज के यादगार में अगर कुछ न कर पाएं तो कितने शर्म की बात होगी। है तो गुरु महाराज को तो अभी बहुत जानते हैं, लेकिन अब यह है कि गुरु महाराज से जिनको प्रेम मिला, प्यार मिला और गुरु महाराज की दया जिनको भरपूर मिली शुरू में, बाद वालों को दया उतनी नहीं मिल पाई जितना पहले लोगों को दया मिली अंतर से और बाहर से। यानी उन लोगों का, बहुत से लोगों का शरीर अब छूटने वाला है। जैसे वो मथुरा की जो संस्था है, यानी समझ लो उसी के सदस्य लोग, बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग चले गए, थोड़े बहुत बचे हैं और वो भी जाने की तैयारी में हैं। तो उनकी सबकी इच्छा है, पुराने लोगों की ज़्यादा इच्छा है, लेकिन चल फिर नहीं सकते हैं, कुछ करने की क्षमता नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जो लोग संस्था के सदस्य यानी समझ लो कि कुछ कर सकते हैं, अभी शरीर में क्षमता है, दिल दिमाग बुद्धि है, उनको सब लोगों को मिलकर के और गुरु महाराज के लिए कुछ करना चाहिए, कि जिससे यानी समझ लो कि उनकी एक पहचान कोई बन जाए और वो पहचान बने कि जैसे गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज का पहचान बना दिया, दादा गुरु जिनको कहते हैं उनकी पहचान बन गई, ऐसे ही पहचान बन जानी चाहिए। तो ज़रूरत तो बहुत जगह पर है, लेकिन अगर आप सब लोग चाहते हो, संगत के जो जिम्मेदार लोग हैं चाहते हैं और संस्था के सदस्य लोग सब चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि गुरु महाराज का एक चिन्ह बड़ा सा बन जाए। अब ये जरूर है कि जब इधर उधर बिखरे रहेंगे, जब परिवार में जितने लोग हैं जब इधर उधर बिखरे रहेंगे और मत एक की नहीं हो पाएगा, एक मत नहीं हो पाएगा तो काम नहीं होगा। और सब लोग अगर एक जगह परिवार के लोग मिलकर के बैठ करके कोई निर्णय ले लें और सबका सहयोग अगर हो जाए तो काम हो सकता है। अब ये बात जरूर है कि कुछ मुँह से कहने की बात होती है और कुछ दिल की बात होती है, तो बात बात तो मिल जाती है, हम यहाँ लोग मिला देते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता है। तो दिल अगर मिल जाए और समझ लो कि लोगों की इच्छा जग जाए तो गुरु महाराज का चिन्ह बन सकता है। आप तो समझो कि कुछ लोग निराश हो रहे हैं, कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, हम तो बूढ़े हो गए, अब जाने वाले हैं, हम देख लेते, गुरु महाराज का चिन्ह बनने ही लग जाता, बन के न तैयार होता तो भी एक आशा बन जाती कि हाँ बन जाएगा, उनकी भी आशा पूरी हो जाएगी। और जो लोग खाली बैठे हुए हैं, आप ये समझो कमाने खाने में ही लगे हुए हैं, गुरु के नाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी मौका मिल जाएगा। तो सब लोगों को इस समय पर जितने भी जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए लोग हैं और जय गुरुदेव बाबा यानी गुरु महाराज से प्रेम करते हैं, गुरु महाराज से कुछ थोड़ा बहुत फायदा जिन जिन भी लोगों को मिला है उनको सबको अब विचार करने का समय आ गया, उनको सोचने का समय आ गया कि गुरु महाराज का एक चिन्ह बड़ा सा कोई बन जाए। और अगर सब लोग मिल बैठ करके और निर्णय ले लेंगे तो हम तो अपने काम में जो उन्होंने सौंपा था हमको, हम उस काम में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप ये समझ लो जो हमारे लायक होगा हम भी उसमें सहयोग करेंगे।
तो आपको एक समय निश्चित कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि आगे गुरु पूर्णिमा आ रही है और गुरु पूर्णिमा तक हम कोई निर्णय ले लें। आप ये समझो कोई निर्णय आप ले लेते हैं तो ठीक है, और नहीं लेते हैं तो फिर उसके बाद में आगे फिर विचार किया जाएगा। तो हमारे मन में ये बात आई तो आज कबीर जयंती और आप समझो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमने आपके प्रेमी मौजूद हो आपके सामने ही नहीं, देश और विदेश में जितने भी गुरु महाराज के प्रेमी हैं सबके सामने ये बात मैंने रख दिया है। अब आपको विचार करने की इस पर जरूरत है, समय अब आ गया है विचार करने का। तो बोलो जय गुरुदेव।